हाय बेटा, कैसा है आप? अच्छा है ना? अभी तक हम तुमको बफर सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया बेटा। अभी ये वीडियो लेक्चर में हम तुमको जितना न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होता वो पूरा सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम तुमको मॉडल वाइज पढ़ाता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस, यही मॉडल्स प्रैक्टिस करो बेटा, बाकी प्रैक्टिस करने के 100% जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो गो फॉर नाउ द क्वेश्चंस हियर। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो अच्छी तरह से बेटा, के ए ऑफ एच सी एन, ऐसे दिया तो तुमको समझ में होना चाहिए। के ए वैल्यू दिया, के ए वैल्यू दिया, के ए वैल्यू दिया तो तुमको क्या समझ में आना? इट इज नथिंग बट ए वीक एसिड, इज इट राइट और नॉट? यस, कंटिन्यू द क्वेश्चन। टू मेंटेन पीएच वैल्यू 9, द वॉल्यूम ऑफ 5 मोलार केसीएन रिक्वायर्ड टू एड 100 ml ऑफ HCN। मेरी प्यारी, तुमको मालूम है ये क्वेश्चन में क्या दिया? HCN दिया और KCN दिया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एक ही फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। इज इट राइट और नॉट? एक ही फॉर्मूला है, तुमको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होता बेटा। कौन सा भी क्वेश्चन होने दो, मैक्सिमम हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला, बेसिक बफर सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला में हम तुमको पूरा करवा के लेता है। पीएच वैल्यू कितना दिया? 9 दिया। नेक्स्ट तुमको क्या होना? पी के ए वैल्यू होना चाहिए, बट क्वेश्चन में तुमको के ए दिया 5 × 10⁻¹⁰। उसमें से तुमको पी के ए आना चाहिए। डायरेक्टली बताता सुनो, 10⁻¹⁰ कितना? −10। −5 है ना, 10 − log 5। प्यारी, 10 − log 5 वैल्यू 0.69, इसलिए 9.30 लिखो रफली। इट इज ए पी के ए वैल्यू। पी के ए वैल्यू देखो 9.30 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। हम बार बार यही बोलता बेटा, कंसंट्रेशन मींस नॉर्मालिटी लेते, नॉर्मालिटी दिया तो नॉर्मालिटी ले लो, उसका साथ वॉल्यूम दिया तो नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम। इन जनरली जो तुमको देता उसमें एक्स फैक्टर 1 होता बेटा, इसलिए मोलारिटी ले लो, नहीं तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले लो। इसका एक्स फैक्टर क्या है? HCN का एक्स फैक्टर इज इक्वल टू 1। इन जनरली इधर कंसंट्रेशन बोले तो नॉर्मालिटी लेना, कंसंट्रेशन बोले तो नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम लेना चाहिए, बट एक्स फैक्टर 1 है तो नॉर्मालिटी जगह पे मोलारिटी ले सकता, एन इंटू वी जगह पे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले सकता। ऐसा कैसा गुरुजी? तुमको कॉन्सेप्ट क्या मालूम है? नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर 1 है तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। क्लैरिटी आए ना बेटा? इसलिए विदाउट कंफ्यूजन हम तुमको क्या बोल रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन बोले तो नॉर्मालिटी दिया तो नॉर्मालिटी ले लो, एक्स फैक्टर 1 है तो नॉर्मालिटी जगह पे मोलारिटी ले सकता। वॉल्यूम भी दिया तो एन इंटू वी, एक्स फैक्टर 1 है तो एम इंटू वी ले सकता। समझ में आया ना? इन जनरली जो तुमको न्यूमेरिकल्स देता उसमें से मोस्ट ऑफ द वीक एसिड H2CO3 छोड़ के मोस्ट 99% एक्स फैक्टर 1 ही होता। नॉर्मालिटी दिया तो नॉर्मालिटी ले लो, मोलारिटी दिया तो मोलारिटी दे लो। समझ में है ना? एन इंटू वी दिया तो एन इंटू वी ले लो, एम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम दिया तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले लो। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, साल्ट का इंफॉर्मेशन में तुमको क्या दिया? KCN इज द साल्ट।
सो वॉल्यूम इंटू 5 मोलार, इधर देखो 10 ml इंटू 2 मोलार, सो तुमको HCN वीक एसिड मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, KCN साल्ट मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ ना बेटा? यस, कंसंट्रेशन बोले तो मोलारिटी ऑफ साल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ साल्ट. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मीन्स मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. बेटा ये लेफ्ट साइड को लेके आओ, लेफ्ट साइड को लेके आए तो कितना होता, -0.30 इंटू लॉग ऑफ साल्ट, देखो मोलारिटी 5 इंटू वॉल्यूम फाइंड आउट करना. एसिड देखो मोलारिटी 2 इंटू वॉल्यूम 10. ये माइनस कैंसिल होना, ये क्या करो उल्टा ले लो. ए सुनो, ये उल्टा ले लो, उल्टा ले लिए तो इधर माइनस आता, ये माइनस कैंसिल होता, इसलिए ये 0.30 इज इक्वल टू, ये उल्टा लेना पड़ता, समझ में है ना, ये उल्टा लेना पड़ता. उल्टा है तो क्या लेता, लॉग ऑफ 20/5 इंटू वी, समझ में है क्या, क्लैरिटी आई ना. उल्टा ले लिया तो माइनस साइन कैंसिल होता बेटा, ठीक है. इधर 0.30 जगह पे क्या ले सकता, लॉग 2 ले सकता. लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये कैंसिल करो, कितना आता 4/V आता. देखो इधर लागू लागू कैंसिल, लागू लागू कैंसिल, सो क्या होता, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 ml इज द आंसर. इधर मालूम होना चाहिए बेटा, इधर माइनस है ना, ठीक है. और एक स्टेप लिखता देखो, इधर माइनस है ना, -0.30, ये उल्टा ले लो, रिवर्स ले लो, रिवर्स ले लिया तो माइनस लॉग ऑफ 2 × 10/5 × V. सो अभी क्या किया, इधर माइनस कैंसिल कर सकता, समझ में आया ना. सो दिस इज द प्रोसीजर. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का सिमिलर नहीं होता, हर एक न्यूमेरिकल एक स्पेशल है, हर एक न्यूमेरिकल एक स्पेशल है, एक एक मॉडल का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता, सिमिलैरिटी नहीं दिखता बेटा. सो हर एक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करना पड़ता. सो इधर देखो, ये मिक्सचर ऑफ क्या दिया, क्या दिया मुझको बोलो, क्या दिया, ये मिक्सचर ऑफ CH3COOH एंड CH3COONA, दिस इज द बेस्ट 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 एग्जाम्पल फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना. ये मिक्सचर ऑफ CH3COOH वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन. प्रियानोम एसिडिक बफर सॉल्यूशन मींस ये की फार्मूला, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. अभी क्वेश्चन पढ़ो एक बार, pKa वैल्यू 4.74 ठीक है, pH वैल्यू 6.40 ठीक है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड साल्ट मींस क्वेश्चन में क्या पूछा, ये रेशियो पूछा, कैसे फाइंड आउट करना वो रेशियो, देखो अच्छी तरह से, pH वैल्यू 6.40 माइनस, इधर देखो pKa वैल्यू 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय एसिड. बेटा ये लेफ्ट साइड को लेके आओ, लेफ्ट साइड को लेके आया तो 6.04 माइनस 4.74 440, ये 10 है 3 है 1.30, ये लेफ्ट साइड को लेके आए तो 1.30 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. क्वेश्चन में क्या पूछा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय एसिड पूछा, समझ में है ना. तुमको एक बारी पॉइंट एक्सप्लेन करता देखो बेटा, इन जनरली लॉग 2 वैल्यू 0.30 है ना, लॉग 20 वैल्यू कितना,
लॉग 20, लॉग 20 कैसा कर सकता? लॉग 2 इंटू, देखो लॉग 20 ले लिया तो कैसा कर सकता? देखो इधर देखो, लॉग 20 मींस लॉग 2 इंटू 10, ठीक है ना? ये कैसा है? लॉग एम एन. सो लॉग एम प्लस लॉग एन 0.20, log 2 वैल्यू 0.30, log 10 वैल्यू 1, सो कितना आता? 1.30 आता. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं तुमको, देखो अच्छे तरह से देखो बेटा, log 2 वैल्यू कितना? 0.30. सो log 20 अभी प्रूव किया ना तुमको, 1.30 होता. फॉर एग्जाम्पल लॉग 3 वैल्यू 0.47, लॉग 30 वैल्यू कितना होता? 1.47. सपोज लॉग 4 वैल्यू 0.60. अभी लॉग 40 वैल्यू कितना होता? लॉग 40 वैल्यू कितना होता? 1.60, ठीक है ना? यस. सो ये 1.30 जगह पे हम क्या ले सकता? लॉग 20 ले सकता, है ना? है ना बेटा? सो देखो 1.30 जगह पे लॉग 20 ले सकता, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. बेटा लॉग लॉग कैंसिल, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ concentration of salt by concentration of acid is equal to कितना होता? 20/1 होता. समझ में आया ना? सो दो क्वेश्चंस लिखो बेटा अच्छी तरह से. और दो क्वेश्चंस दिया, ये थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से सुनना चाहिए आप लोग. देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनर. बेटा फर्स्ट एक वेसल ले लिया, फर्स्ट एक वेसल ले लिया, ठीक है ना? फर्स्ट एक वेसल ले लिया. हाँ, ये वेसल में क्या है बोलो, आप बोलो ये वेसल में क्या है? 0.08 मोल्स ऑफ CH3COOH इज टेकन इन ये वेसल, ठीक है ना? ओके. बाद में क्या किया, क्वेश्चन पढ़ो. टू दिस मीन्स ये सॉल्यूशन को, टू दिस 0.02 मोल्स NaOH एडेड. अरे बाप रे, इसको क्या किया बेटा? 0.02 मोल्स NaOH एडेड, NaOH एडेड टू दिस सॉल्यूशन, NaOH इज एडेड. अभी NaOH ऐड किया तो क्या होता? CH3COOH is acid, NaOH is base. ये दोनों का बीच में रिएक्शन चलता. कैसे चलता? देखो अच्छी तरह से. इन जनरली CH3COOH है वेसल में, पर हम क्या किया? उसमें NaOH डाल दिया बेटा. When NaOH is added, NaOH is added. बोलो क्या फॉर्म होता? CH3COONa plus CH2O is formed. तुमको क्या समझ में आया? 1 मोल CH3COOH react with 1 मोल NaOH to give 1 मोल of CH3COONa. This is according to balanced equation. बट आप क्या ले लिया वो इंपॉर्टेंट है. आप क्या ले लिया बोलो? 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन, देखो देखो देखो, 0.08 बेटा. ये कितना ले लिया? 0.08 मोल्स ले लिया. NaOH कितना ले लिया? 0.02 मोल्स ले लिया. This was taken. Is it right or not? हाँ ठीक है, मुझको एक क्लैरिटी में बताओ. देखो 1 मोल NaOH
react with one mole CH3COOH to give one mole of CH3COON, है ना बेटा? हाँ, आप बोलो। इधर NaOH 0.0, one mole react with one mole, so 0.02 react with कितना? 0.02, ऐ सुनो, one mole react with one mole, 0.02 react with 0.02 means उसका मतलब क्या है? 0.06 moles of CH3COOH was remaining in the vessel. Is it right or not? और एक बार देखो, one mole react with one mole, बेटा NaOH कितना ले लिया? 0.02 ले लिया, 0.02 ले लिया, so 0.02 react with 0.02, so कितना बचा है? 0.06 मोल CH3COOH remaining in the vessel, ठीक है? और next point बोलो, देखो, one mole of CH3COON है, बेटा 0.02 moles completely consumed, so it gives how much? बोलो कितना देता? 0.02 देता, is it right or not? Yes, so 0.02 moles of CH3COONa is formed. So finally vessel में तुमको क्या form हो गया? Acidic buffer solution form हो गया, ठीक है ना बेटा? ये acidic buffer solution का pH कैसा find out करना? pH is equal to बोलो pKa plus log concentration of salt by acid, ठीक है ना? Yes. pH find out करने के लिए तुमको क्या होना? pKa value होना चाहिए, ठीक है ना? Question में दिया बेटा, Ka is equal to 1.75 into 10 to the power minus 5. Ka दिया, इसलिए pKa is equal to, कैसे find out करता? 10 to the power 5 है ना? 5 minus log of 1.75. गुरुजी हमको log 1 value मालूम है, log 2 value मालूम है, but 1.75 दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्वेश्चन में उनका वैल्यू कंपलसरी तुमको क्वेश्चन में उनका वैल्यू कंपलसरी देता बेटा। सो pKa इज इक्वल टू 5 माइनस log 1.75 0.243, सो pKa इज इक्वल कितना होता? 4.76, ऐसा ले लो, आफ्टर डिजिट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट टू डिजिट एनफ, सो pKa वैल्यू कितना आया? 4.76। हाँ, अभी फाइंड आउट करो, pH इज इक्वल टू pKa 4.76 प्लस, बोलो इधर बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन मींस हम क्या बोला? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और क्या ले सकता, नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकता, हाँ बोलो। सो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट कितना फॉर्म हो गया? 0.02। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितना फॉर्म हो गया? 0.06, है ना? यस बेटा, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इन द वेसल, एक वेसल में तुमको क्या क्या है? 0.06 मोल CH3COOH रिमेनिंग, 0.02 मोल CH3COONa इज फॉर्म्ड, दिस इज द बेस्ट
बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपको मालूम है। सो पीएच इज इक्वल टू क्या बोलता, 4.76 प्लस लॉग ऑफ 1/3, ओके 1/3। सो 4.76 प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 3, हा ना, लॉग 1 माइनस लॉग 3। सो पीएच इज इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग 1 वैल्यू 0, लॉग 3 वैल्यू 0.47। सो कैलकुलेट करो बेटा, 4.76 माइनस 0.47 इज द पीएच वैल्यू। क्लैरिटी आया ना, हाँ यहां तक लिखो, अच्छी तरह से लिखो। अच्छा गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक बफर, अरे बाप रे, बेसिक बफर स्टेटमेंट में दिया तुमको, तुम चेक करने की जरूरत नहीं है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी दिया गया है ना, दिया गया। सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन बेसिक बफर दिया ना, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता, पी वो एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। तुमको क्या पूछा, पीएच पूछा, फर्स्ट पी वो एच फाइंड आउट करो, उसमें से पीएच वैल्यू आता, इज इट राइट और नॉट, यस। अभी तुमको क्या होना, देखो पी के बी होना, बट क्वेश्चन में प्रिया नो के बी वैल्यू दिया ना, के बी वैल्यू दिया ना, के बी वैल्यू दिया तो पी के बी कितना, 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 0.30, सो 4.70। देखो के ए वैल्यू के बी वैल्यू दिया, हम क्या किया इधर, पी के बी वैल्यू फाइंड आउट किया। सो पी वो एच इज इक्वल टू पी के बी 4.70 प्लस लॉग, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। कंसंट्रेशन मीन्स ओरिजिनली नॉर्मालिटी लेना, ओरिजिनली क्या लेना, नॉर्मालिटी लेना, ओरिजिनली नॉर्मालिटी लेना, नहीं तो नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम लेना, नहीं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेना। बट 99% बफर सॉल्यूशन में तुमको जो देता वो एक्स फैक्टर 1 है, इसलिए नॉर्मालिटी जगह पे मोलारिटी ले सकता, एन इंटू वी जगह पे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले सकता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ले सकता, ले सकता, ले सकता। क्लैरिटी आया ना, यस। कंसंट्रेशन बोले तो परफेक्ट क्या लेना, नॉर्मालिटी लेना, क्या लेना, परफेक्ट नॉर्मालिटी लेना, नहीं तो नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम लेना, नहीं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेना। बट एसिडिक बफर सॉल्यूशन में, बेसिक बफर सॉल्यूशन में एक्स फैक्टर 1 होता, मेरा ट्रिक सुनो, मेरा कॉन्सेप्ट सुनो, एक्स फैक्टर 1 होता, इसलिए नॉर्मालिटी जगह पे मोलारिटी ले सकता, एन इंटू वी जगह पे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले सकता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ले सकता, ठीक है ना, बोलो इधर बोलो, 0.8 मोल NH4Cl, 0.2 मोल्स NH4OH। सो मुझको बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ बेस बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। सो पी वो एच इज इक्वल टू 4.70 प्लस लॉग 4, कैंसिल किया तो तुमको मालूम है लॉग 4 वैल्यू 0.60, सो पी वो एच वैल्यू 5.30। बट क्वेश्चन में पी वो एच नहीं पूछा प्रिया, नो पी एच वैल्यू पूछा, है ना। सो पी एच कैसे फाइंड आउट करना, पी एच प्लस पी वो एच इज इक्वल टू 14।
So pH is equal to 14 minus POH value सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, हा ना बेटा? इजी लग रहा है ना तुमको अच्छे तरह से? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे तरह से लिखो। आहा, मस्त मजा आ रहे हैं ना बेटा। बफर सॉल्यूशन क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी बेटा, इतना इजी है पूछो मत। हम पूरा मॉडल्स नीटली पढ़ाता, वही मॉडल्स प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ भी नहीं आता नीट का और जेई का, यही आता बेटा। मेरा बात सुनो अच्छी तरफ से, ठीक है ना? यस, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, क्लैरिटी दे दो मुझको। एक वेसल ले लिया, ये वेसल ले लिया, ये वेसल में क्या ले लिया, ये वेसल में क्या ले लिया, ये वेसल में क्या ले लिया? वीक एसिड ले लिया एंड कॉन्जुगेट बेस ले लिया। मींस ये कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ना? ओके, इसका पीएच वैल्यू दिया, पीके वैल्यू दिया, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन पूछा। द कॉम्बिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन बेटा, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? देखो, तुमको जो दिया इट इज एन एग्जाम्पल फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मींस pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। pH वैल्यू 5, पी के ए वैल्यू 4.70 प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ये लेफ्ट साइड को लेके आओ, 0.30 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ये 0.30 यू कैन टेक एन एज लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। व्हेन यू कैन कैंसिल द लॉग, देन यू टेल मी कंसेंट्रेशन, द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कितना आना चाहिए? 2/1 आना चाहिए, है ना बेटा? 2/1 आना चाहिए। सो क्वेश्चन तुमको क्या दिया, थोड़ा समझाना चाहिए, तुमको समझ में होना चाहिए। ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, पीएच वैल्यू दिया बेटा, पीके वैल्यू दिया, बाद में क्या दिया, देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इज, फोर ऑप्शंस दिया तुमको। ये फोर ऑप्शंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सो आप गेस करो, पीएच वैल्यू दिया, पीके वैल्यू दिया, बेस्ड ऑन पीएच एंड पीके वैल्यू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कितना आना चाहिए? 2/1 आना चाहिए। इज इट राइट और नॉट? अभी ये पूरा फोर ऑप्शंस को कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड फाइंड आउट करो, कौन सा कॉम्बिनेशन को कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 2:1 होता, दैट इज द करेक्ट बफर सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन डेटा। ये डेटा का सबसे ये फोर ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, मींस तुम क्या चेक करना, सॉल्ट बाय एसिड चेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन ले लिया, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया, पीके वैल्यू दिया, सो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड कितना आना चाहिए? 2:1 आना चाहिए, है ना बेटा? सो ये फोर कॉम्बिनेशन में जिसका 2:1 होता, दैट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करता, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करता, ठीक है ना बेटा? यस, ये फर्स्ट ऑप्शन देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। कंसेंट्रेशन बोले तो क्या गुरुजी, हम इधर तुमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों को नहीं दिखता इधर को। सो
इधर कंसंट्रेशन बोले तो क्या लेना चाहिए, बोलो क्या लेना चाहिए, नॉर्मालिटी लेना, नहीं तो नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम लेना, नहीं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेना। मेरा ऑब्जर्वेशन में बहुत सिंप्लीफाई करके दिया तुमको, मोस्ट ऑफ द बफर सॉल्यूशन एक्स फैक्टर वन। सो तुमको सिक्स दिया बेटा, इसमें कौन सा भी ले सकता, कौन सा भी ले सकता, सिक्स दिया ये कौन सा भी ले सकता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दलिंदर, याद रखो याद रखो याद रखो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मेरा एनालिसिस है, ये बहुत बारी ट्रिक है, तुम एग्जाम्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बहुत बारी ट्रिक है। नॉर्मालिटी दिया तो नॉर्मालिटी ले लो, एन इंटू वी दिया तो एन इंटू वी ले लो, मोलारिटी दिया तो मोलारिटी ले लो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम दिया तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले लो, कौन सा भी ले लो, कौन सा दिया तो कौन सा भी ले लो। समझ में आया ना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, किसको भी नहीं बोलना चाहिए, क्यों ज्यादा लोग को मालूम नहीं है ना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन दे दो, साल्ट बाई एसिड। ये साल्ट जगह पे क्या लेना, क्या दिया तुमको, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, सो इधर क्या लेना, मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ साल्ट, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। सो मोलारिटी क्या है बोलो, 0.1 × 100 डिवाइड, ओ साल्ट है ना, साल्ट क्या है, साल्ट यही है, साल्ट दिस इज द साल्ट, कितना इसका मोलारिटी कितना, 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना, 200 डिवाइडेड बाय, इधर देखो मोलारिटी 0.1 × 100, अरे बाप रे इसका रेशियो कितना आया, 2:1 आया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, और एक ऑप्शन करेक्ट होता चेक करो आप, समझ में आया ना, सेकंड थर्ड फोर्थ आप चेक करो, और एक ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है ना बेटा, यस लिखो लिखो अच्छी तरह से लिखो। गो फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, देखो अभी 4-5 क्वेश्चंस तुम सुनाया ना, इतना इजी जाता क्वेश्चंस, देखो कल और अच्छा लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करता। सो गो फॉर द नेक्स्ट वन, ए मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 molar NH4OH एंड NH4Cl, अच्छा आप बोलो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, इट इज NH4OH इज ए वीक बेस एंड इट इज द सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन टू यू इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, हा ना बेटा। सो बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, POH is equal to PKB plus concentration of salt by concentration of base, है ना, so salt by concentration of base, is it right रहा बेटा, अच्छा very good। so POH is equal to, हमको क्या होना चाहिए, PKB होना चाहिए, PKB value दिया plus log of concentration of salt by base, concentration जगह पे क्या क्या लेना चाहिए, क्या दिया, molarity दिया, volume दिया, so molarity into volume, salt NH4Cl is salt, molarity into volume, base रहा बेटा, molarity into volume, so ये कितना है, 40 आता, नीचे 10 आता है ना, 40/10 आता, सो इसलिए ये 4 है। सो POH इज इक्वल टू 4.8 प्लस log 4, प्यारी log 4 वैल्यू क्या है, log 4 वैल्यू 0.60, सो POH इज इक्वल टू 5.40, बट क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा, pH वैल्यू पूछा ना, सो pH वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, इज इट ओके। अभी देखो और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या दिया तुमको,
0.1 मोल CH3NH2 Kb वैल्यू दिया ना, Kb वैल्यू दिया तो उसका मीनिंग क्या है? जो CH3NH2 मिथाइल अमाइन दिया, इट इज एन एग्जाम्पल फॉर द वीक बेस। क्लैरिटी आया ना तुमको? यस। सो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एक वेसल ले लिया, ये वेसल में CH3NH2 ले लिया बेटा, उसमें HCl ऐड किया है ना, HCl ऐड किया तो साल्ट फॉर्म होता। सो NH3 प्लस एंड Cl माइनस, मालूम है ना कॉन्सेप्ट, इधर प्लस है इधर माइनस है, H प्लस का वेकेंट ऑर्बिटल ये डोनेट करता है, इसलिए साल्ट बनता। सो बेस्ड ऑन दिस बैलेंस्ड इक्वेशन तुमको क्या समझ में आया, वन मोल वीक एसिड, सॉरी वीक बेस रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ HCl टू गिव वन मोल ऑफ साल्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। बट हम क्वेश्चन में क्या ले लिया, ये कितना ले लिया बोलो, 0.1 मोल ले लिया, ये कितना ले लिया, 0.08 मोल्स ले लिया। फिर अभी मुझको क्लैरिटी में बता, अभी वेसल में क्या क्या मिलता तुमको, ये वेसल में क्या क्या मिलता, क्या ले लिया, ये ले लिया, अभी क्या मिलता बोलो। सो कॉन्सेप्ट मालूम है, फिर भी एक्सप्लेन करता, वन मोल HCl रिएक्ट विथ वन मोल, वन मोल HCl रिएक्ट विथ वन मोल, प्रियानोम 0.08 मोल्स रिएक्ट विथ 0.08 मोल्स, उसका मतलब क्या है, 0.02 मोल्स CH3NH2 वॉज रिमेनिंग इन द वेसल। समझ में आया ना, फिर भी और एक बार रिपीट करता, वन मोल रिएक्ट विथ वन मोल, 0.08 मोल्स रिएक्ट विथ 0.08 मीन्स इधर 0.02 मोल्स बचा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, वन मोल गिव्स वन मोल, 0.08 मोल्स गिव्स हाउ मच, 0.08 मोल्स ऑफ CH3 NH3 प्लस Cl माइनस। सो फाइनली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन। फॉर बेसिक बफर सोल्यूशन POH इज इक्वल टू PKB प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई बेस। क्लैरिटी आया ना बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया, KB इज इक्वल टू 5×10⁻⁴। प्यारी PKB इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 5 वैल्यू 0.69 0.70 ले लो, कुछ भी नहीं होता। सो PKB वैल्यू, सो POH इज इक्वल टू 3.31 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई बेस। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या लेना, क्या है बेटा, ये साल्ट का बारे में मोल्स मालूम हो गया, वीक बेस का बारे में मोल्स मालूम हो गया। सो 0.08/0.02 कैंसिल करो, ये बहुत भारी कॉन्सेप्ट है बेटा, हम बहुत सिंप्लीफाई करके तुमको बताया, 99% क्वेश्चन सॉल्व होता है इसमें, ठीक है ना। यस, POH इज इक्वल टू 3.31 प्लस लॉग 4 है हाँ ना, लॉग 4 ये कैंसिल किया, लॉग 4 वैल्यू 0.60। सो POH वैल्यू तुमको मालूम हो गया, POH मालूम है तो pH वैल्यू फाइंड आउट कर सकता ना बेटा, है ना, pH वैल्यू फाइंड आउट कर सकता ना, करो अच्छी तरह से करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज करता बेटा तुमको, ठीक है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर कैपेसिटी, बेटा एक बफर सॉल्यूशन ले लो, थोड़ा एसिड ऐड करो, थोड़ा बेस ऐड करो, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता, ज्यादा एसिड
ज्यादा बेस ऐड किया तो पीएच वैल्यू बिल्कुल चेंज होता। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर कैपेसिटी? बफर कैपेसिटी का मीनिंग क्या है? बफर कैपेसिटी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस विच इज एडेड टू 1 liter बफर सोल्यूशन टू चेंज द पीएच वैल्यू, टू चेंज द पीएच वैल्यू इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। मालूम है तुमको? सो बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस विच इज एडेड टू 1 liter बफर सोल्यूशन टू चेंज द पीएच वैल्यू। हा ना बेटा? यस, दिस इज कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी एज यू नो वेरी वेल। अभी बफर कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहिए। देखो, फर्स्ट तुमको क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस। क्वेश्चन में क्या दिया? 0.12 ग्राम्स ऑफ CH3COOH। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू प्रियानोम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 0.12 डिवाइडेड बाय 60। देखो 12 × 10⁻²/60, ये 1/5 मींस 0.2 मींस 2 × 10⁻³। अच्छे तरह से याद रखो, फर्स्ट स्टेप हो गया, अभी सेकंड स्टेप को जा रहा। क्या है बेटा? 2 × 10⁻³ मोल्स विच इज एडेड टू 250 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन। बट बफर कैपेसिटी में बफर सॉल्यूशन कितना लेना चाहिए? 1 liter कंपलसरी लेना चाहिए। सो 1000 ml बफर सॉल्यूशन में कितना ऐड करना पड़ता? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा, 10⁻³ इंटू, ऐसा नहीं है, इजी कैलकुलेशन के लिए 1000 × 2 × 10⁻³/250, ये 1 होता, ये 4 होता, सो 8 × 10⁻³। हा ना बेटा? क्लैरिटी आया ना? अभी बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एडेड टू 1 liter बफर सॉल्यूशन, कितना? 8 × 10⁻³। उसका मीनिंग क्या है? (8 × 10⁻³) मोल्स CH3COOH विच इज एडेड टू 1 liter बफर सॉल्यूशन। हा ना बेटा? डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच 0.02 मींस 2 × 10⁻²। सो 4 × 10⁻¹, द बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.4। समझ में आया ना? समझ में ना? देखो इसका मीनिंग बताता, देखो बफर कैपेसिटी 0.4 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? 0 moles ऑफ एसिड और बेस विच इज एडेड टू 1 liter बफर सॉल्यूशन टू चेंज द पीएच वैल्यू बाय 1 unit। दैट इज द मीनिंग, द मीनिंग ऑफ बफर कैपेसिटी। मीनिंग बफर कैपेसिटी 0.4 आया, इसका मीनिंग क्या है? 0.4 मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस विच इज एडेड टू 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज द पीएच वैल्यू 1 liter। दैट इज द मीनिंग ऑफ बफर कैपेसिटी। क्लैरिटी आया ना बेटा? लिखो।